हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर आंवला कैंडी। आंवला जो हम ऐसे ही खाते हैं तो उसका थोड़ा टेस्ट होता है कसैला, जो कि बच्चे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आंवला सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें विटामिन हमारी सी भी होती है और आँखों के लिए, पेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, लेकिन बच्चे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो क्यों ना हम कैंडियाँ बनाएं घर पर ही, और बच्चों को भी इसको खाने में अच्छा लगेगा और वो इंजॉय करके खाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं आंवला कैंडी बनाना। तो हमें ले लेने हैं यहाँ पर आंवले। तो मैंने ये ले लिए हैं, लगभग 500 ग्राम आंवले लिए हैं। अच्छे से वॉश कर लिया है और उनको जब तक वो डूबे ना, इतने पानी ले लिया है। और इसको गैस पे चढ़ा देते हैं बॉयल होने के लिए। और हमें जब तक बॉयल करना है तब तक ही थोड़ा सा, जैसे आंवले क्रैक ना हो जाएं या फिर कलियाँ थोड़ी खिलने लगे, तो हमें बहुत ज़्यादा बॉयल भी नहीं करने हैं। लेकिन जब तक कलियाँ खिलें या ये जो पीसे हैं थोड़े अलग अलग होने लगे, इतना हमें बॉयल करना है। तो कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आंवला है और ये हल्का सा खिलने लगा है, देखिए क्रैक आ चुके हैं इसमें। तो सारे आंवले अच्छे से बॉईल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं करने हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, स्ट्रेनर में डालेंगे और ठंडा होने देते हैं। और ठंडा होने के बाद जो पीसीज हैं वो अलग कर लेंगे और गुठलियाँ निकाल कर फेंक देंगे। तो अभी हम इसको छान लेते हैं, ठंडा करेंगे और पीसीज अलग कर लेंगे। तो सारे जो आंवले हैं उनके मैंने इस तरीके से पीसीज कर लिए हैं और ये बहुत ही इजीली बिना नाइफ के हो जाते हैं। तो 500 ग्राम हमारे आंवले थे, तो इसमें हम ले ले रहे हैं लगभग 300 ग्राम शुगर लेंगे। और इसको हम डाल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी जो बची है शुगर उसको भी हम इसके ऊपर डाल लेते हैं। आधी से ज़्यादा हमने मिक्स कर दी, थोड़ी सी हमने ऊपर डाल दी है। और अभी हमें क्या करना है, हम इसको ढक के रख देते हैं। तो इसको ढक के हमें लगभग 2 से 3 दिन ऐसे ही रख के छोड़ देना है। और 3 दिन के बाद हम इसको ओपन करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो 3 दिन तक हमें इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 से 3 दिन तक छोड़ देना है। तो ये 1 से 2 दिन हो गए और आप देख रहे हैं मेरी कैंडी काफ़ी ड्राई हो गई हैं, बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। तो इसी कंडीशन में हमें ये चाहिए थी, हमें बिल्कुल भी, मतलब ये चिपचिपी भी ना हो और बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो। तो इसी कंडीशन में हमें ये कैंडी चाहिए थी। तो अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर डालना है शुगर पाउडर। उसके लिए थोड़ी सी चीनी हमें पीस लेनी है और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे। तो वो डालेंगे, तो ये शुगर पाउडर लगभग 1 से 2 चम्मच हमें डालना है। और अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इससे ज़्यादा ना डालें। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। तो ये शुगर पाउडर में अच्छे से कोट हो गई है और अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए आप, और जब दिल करे तभी खाइए। कैंडीज हमारी तैयार हैं। तो ये हमारी आंवला कैंडी बनकर रेडी हो गई है। बस बनाते हुए ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना है, ओवर कुक हो जाएंगी तो ये अच्छे से पीसेस नहीं बनेंगे। दूसरा, हमें इसको बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है और चिपचिपा भी नहीं रखना है। और शुगर पाउडर से कोट करके हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी हमारी आंवला कैंडी बनकर रेडी हुई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।